संभाजी भिड़े के वादग्रस्त वक्तव्य के बाद राज्य की विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा तीव्र निषेध व्यक्त किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में महात्मा फूले शिक्षण संस्थान के तत्वाधान से निषेध सभा का आयोजन किया गया। इस वक्त आंदोलकों ने काले झंडे दिखाकर निषेध व्यक्त किया। गौरतलब है कि अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी समेत ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के साथ ही साईं बाबा के विषय में वादग्रस्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद राज्यभर की सामाजिक संगठनों द्वारा भिड़े का निषेध जाहिर किया जा रहा है। उसी श्रेणी में महात्मा फूले शिक्षण संस्थान द्वारा निषेध सभा का आयोजन किया गया था। इस वक्त प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे और निषेध फलक दिखाकर विरोध व्यक्त किया। इस समय बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष अरुण पवार ने सरकार पर भी सवाल या निशान व्यक्त किया। राज्य के सियासत में एक मुद्दा बड़े ही जोरों शोरों से उठ रहा है, वो है मनोहर भिड़े का, जिसने की महात्मा फूले और महापुरुषों पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद से सामाजिक संगठनें पूरी तरह से चिढ़ चुकी है और उसको सजा देने की मांग कर रही। इस वक्त हम मौजूद है महात्मा फूले शिक्षण संस्था के कार्यालय में, जहाँ की बड़े ही जोरों शोरों से यह आंदोलन निषेध सभा यहाँ आयोजित की गई है। काले झंडे लेकर ये लोग यहाँ उपस्थित है, प्रदर्शन उपस्थित है और मनोहर भिड़े को सजा हो ऐसी मांगे यहां कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से जाहिर निषेध के फलक इनके हाथों में है, काले झंडे इन कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिए हैं, जिससे कि इनका असंतोष यहां स्पष्ट हो रहा है कि संभाजी भिड़े ने जिस प्रकार से महात्मा फूले का और महापुरुषों का अपमान किया है, जिसके बाद से जिस परिपेक्ष में, सियासी परिपेक्ष में जिस प्रकार से उथल पुथल मची है, कहीं ना कहीं संभाजी भिड़े के विरोध में यह निषेध सभा इस वक्त ली जा रही है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है महात्मा फूले शिक्षण संस्था के इस जाहिर निषेध सभा में और हमारे साथ मौजूद है संस्था के अध्यक्ष, जिनसे हम जानेंगे कि इस प्रकार से असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। ये जो असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, जिसका नाम की संभाजी भिड़े और जिसका रियल नेम है मनोहर कुलकर्णी, लेकिन उसने अपना नाम भी परिवर्तित किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार की रणनीति होगी, किस प्रकार की सियासत होगी, महापुरुषों का अपमान दिन ब दिन करते जा रहा है वो? आज देखिए, पूरे महाराष्ट्र में ये संभाजी उर्फ मनोहर कुलकर्णी, इन्होंने जो थोर महापुरुष पे, जो महात्मा गांधी हो गए, महात्मा जी फुले हो गए और शिरडी के साईं बाबा, जिनको ये पूरा भारत देश नहीं तो जग में वो प्रसिद्ध है, इनके बारे में जो उन्होंने अपशब्द वापरे हैं, तो ये इतना बड़ा आदमी खुद को क्या समझ रहा है कि जो भगवान को भी मानने के लिए तैयार नहीं, और ये थोर महापुरुषों से भी क्या बड़ा हो गया क्या? ये आदमी शिक्षित है, उच्च शिक्षित है, इतना रहने के बाद में उन्होंने एक समाज में एक दुरी निर्माण करने का, समाज में एक वातावरण खराब करने का और आपस में एक भिड़त लगाने का काम संभाजी भिड़े द्वारा उनके उद्देश्य से और उनकी जो सभा में जो उन्होंने बोला है, उससे आज महाराष्ट्र पूरा खबल उठा है। हर शहर में उनके बारे में निषेध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। उसी प्रकार महात्मा फूले शिक्षण संस्था, ये 1960 की संस्था है और इस संस्था के 13,500 लाइफ मेंबर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस संस्था के आजीवन सदस्य है। ये संस्था कोई भाई समाज की काम करते है ऐसा नहीं, महात्मा फूले किसी भाई समाज के थे, इसका मतलब भाई समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया, पूरे बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार से क्या सजा होनी चाहिए? मनोहर कुलकर्णी, जिनका नाम और संभाजी भिड़े भी बोला जा रहा है, क्या उनको सजा होनी चाहिए, क्या मांग को लेकर ये निषेध व्यक्त किया जा रहा है? देखिए, अमरावती में उनके बारे में FIR डाला है, लेकिन अभी ये अपना पावसाई अधिवेशन था, ये अध्यक्ष में खाली बातें हुई लेकिन उनको अटक नहीं हुई। यशोमती ठाकुर जी ने ये सवाल उठाया था कि उनको जल्दी से जल्द उनको अटक करें, लेकिन आज के डेट में भी उनको अटक नहीं की गई और पावसाई अधिवेशन में भी वो सब बोलने के लिए हो गया, करेंगे वो, देखेंगे क्या बोला उन्होंने, उनकी क्लिप देखेंगे, उसके बाद करेंगे। ऐसे ही देखे जाए तो
आज इतने थोर महापुरुषों के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो तुरंत अटक हो जाती है। लेकिन इनके पीछे क्या है, संभाजी भिड़े को कहां से ताकत है, कहां से उनको ताकत मिल रही है, ये भी एक सवाल आज महाराष्ट्र के जनता के अंदर सामने आ रहा है। आप स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की राज्य सरकार को इसके पीछे मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा शिव छत्रपति के नाम पर ही इलेक्शन जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाद में आई, तो क्या लगता है आपको कि सच में राज्य सरकार का या राज्य सरकार के किसी नुमाइंदे का इसमें हाथ है? अब आप तो जानते ही हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां हर दिन क्या क्या नया नया रूप लेते हैं, ये सब लोग देखते हैं। इनके बारे में कुछ बोलना और समझना बहुत कठिन है। लेकिन संभाजी भिड़े को अभी तक अटक नहीं हुई, इसका मतलब ये ऐसा है कि उनको कुछ तो भी उनके पीछे शक्ति जरूर है। अब वो जहाँ पे उनका काम है वो बोलते हैं कि हमको इतने इतने युवक को हमको सब सामने लाना है, संगठन बनाना है, और ये इनका संभाजी भिड़े ने तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा ऐसा भी उन्होंने बोला है। तो ये कोई समाज में काम करने की कोई रीत नहीं है। जरूर उनको अमरावती पुलिस स्टेशन वालों ने तुरंत उनको अटक करना चाहिए और जमानत भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संभाजी भिड़े के वादग्रस्त वक्तव्य के बाद एक बड़ी राजनीति में उफान आ चुकी है और इस वक्त महात्मा फुले शिक्षण संस्था द्वारा यहां निषेध सभा का आयोजन किया गया है। तो देखते हैं आगे संभाजी भिड़े को किस प्रकार से कार्रवाई उस पर होती है, किस प्रकार से सजाएं उनको दी जाती है। इसी प्रश्न के साथ, इसी सवाल या निशान के साथ, कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।